तो हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है कंकन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जोन। सो गाइस, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएसएल सीजन 6 के फाइनल मैच के हाईलाइट्स के बारे में, और उसके साथ ही हम बात करेंगे आईएसएल सीजन 6 के सारे अवार्ड्स और उनके विनर्स के बारे में। सो गाइस, बिना वीडियो को स्किप किए हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले तो बात करते हैं आईएसएल सीजन 6 के फाइनल मैच के बारे में। सो गाइस, ये मैच खेला गया था एटीके और चेन्नई एफसी के बीच गोवा के फेतरोडा स्टेडियम में 14 मार्च 2020 को। सो गाइस, इस मैच का हीरो ऑफ द मैच था एटीके का गोलकीपर अरिंदम भट्टाचार्य। सो गाइस, ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। इस मैच में पहला गोल किया था एटीके के तरफ से जावी हर्नांडेस ने 10 मिनट पर। फिर इस मैच का दूसरा गोल भी आया था एटीके की तरफ से, जो गोल किया था एडू गार्सिया ने 48 मिनट पर। और हाफ टाइम में स्कोर लाइन था एटीके 2 चेन्नई एफसी 0। फिर इस मैच का दूसरा हाफ में चेन्नई एफसी के नेरिजुस फेल्किस ने 69 मिनट पर एक गोल दागा। उसके बाद फिर से एटीके का स्टार प्लेयर जेवी हर्नांडेस ने 93 मिनट पर एक और गोल दागकर एटीके को आईएसएल सीजन 6 का विनर बना दिया। सो गाइस, इस मैच का फुल टाइम में स्कोर लाइन था एटीके 3 और चेन्नई एफसी 0। सो गाइस, अब हम बात करते हैं आईएसएल सीजन 6 के अवार्ड्स और उनके विनर्स के बारे में। सो गाइस, अवार्ड नंबर 1 है डीएचएल विनिंग पास ऑफ द लीग। सो गाइस, ये अवार्ड दिया जाता है उस प्लेयर को जो हाईएस्ट असिस्ट करता है। सो गाइस, इस अवार्ड का विनर है एफसी गोवा के स्टार प्लेयर हुगो बुमोस। सो गाइस, अवार्ड नंबर 2 है गोल्डन ग्लव्स। सो गाइस, ये अवार्ड पूरे सीजन के बेस्ट गोलकीपर यानी जो गोलकीपर हाईएस्ट क्लीन शीट रखता है उसे मिलता है। सो गाइस, आईएसएल सीजन 6 का ये अवार्ड विनर है बेंगलुरु एफसी का गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, जिन्होंने 11 क्लीन शीट रखे है इस सीजन में। सो गाइस, अवार्ड नंबर 3 है मारुति सुजुकी गोल्डन बूट। सो गाइस, ये अवार्ड दिया जाता है पूरे सीजन के हाईएस्ट गोल स्कोरर को। सो गाइस, आईएसएल सीजन 6 का ये मारुति सुजुकी गोल्डन बूट का विनर है चेन्नई एफसी का स्ट्राइकर नेरिजुस फेल्किस, जिन्होंने पूरे सीजन में टोटल 15 गोल किया है। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि एटीके का प्लेयर रॉय किशना ने भी टोटल 15 गोल किए हैं, पर फिर भी नेरिजुस फेल्किस को ही गोल्डन बूट क्यों मिला, तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रॉय किशना ने टोटल 21 मैचेस खेले हैं, बट नेरिजुस फेल्किस ने टोटल 20 मैचेस खेले हैं। अगर नेरिजुस फेल्किस को एक और मैच खेला होता, मतलब उसको खेलने को मिलता, तो शायद वो एक गोल या फिर उससे ज्यादा गोल कर सकते, तो इसलिए उन्हें ही अवार्ड मिला। सो गाइस, अवार्ड नंबर 4 है आईएसएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग। सो गाइस, ये अवार्ड दिया जाता है उस प्लेयर को जो प्लेयर कमबैक करके बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सो गाइस, इस सीजन में ये अवार्ड दिया गया है एटीए का प्लेयर सुमित राठी को। सो गाइस, अवार्ड नंबर 5 है हीरो ऑफ द लीग। सो गाइस, ये अवार्ड दिया जाता है उस प्लेयर को जो पूरे सीजन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। सो गाइस, आईएसएल सीजन 6 का ये अवार्ड विनर है गोवा का प्लेयर हुगो बुमोस। सो गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं चैनल पे टेक हैक स्पोर्ट्स या फिर गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डालो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो आज के लिए गुड बाय।